आज हमारी बहनें और माताएं सड़कों के ऊपर, यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, ये सारे जो हैं सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। हमने गवर्नमेंट से एक ही गुहार लगाई है, जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी, उसके बिना हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने जो ये जंग जो जारी रखी है, ये जंग हमारी बदस्तूर जारी रहेगी। हमने गवर्नमेंट को अभी भी थोड़ा टाइम और दिया है, 22 तारीख को महारैली, सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा जब सड़कों के ऊपर जाम लगेगा। सरकार को अभी भी मौका है, जाग जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं। और हम जम्मू के जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वो बोलते हैं आप लोगों की डिमांड जायज़ है और आप अपनी जंग जारी रखो, और हम इस जंग को जारी रखेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे जितना मर्जी हमारे ऊपर लाठियां चला ले, जितना मर्जी हमारे ऊपर 144 धारा लगा ले, लेकिन ये जो मजदूर वर्ग है, जो 60,000 डेली वेजर और PHE का जो 22,000 डेली वेजर है, ये इन धाराओं से और लाठियों से डरने वाला नहीं है। आने वाली जो जंग है, इससे भी और ज्यादा तेज होगी, खतरनाक होगी। जय हिंद, जय भारत। ये तो सरासर नाइंसाफी करे। हमारे भाई जब बोलते हैं तो इन पे लाठियां बाजी जाती हैं। अपने हक के लिए क्या लाठी लेनी पड़ती है? हम अपने हक की लड़ाई ले रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कोई फालतू की डिमांड तो है ही नहीं। तीन डिमांड्स हैं हमारी मेन, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेंडिंग वेजेस सैलरी और रेगुलेशन, और कुछ मांगा नहीं है। कहीं हमने लंका तो मांग नहीं ली है इनसे। हमें कोई शौक थोड़े इतनी गर्मी में बैठने का। ये क्यों नहीं हमारी सुन रहे हैं? कब सुनेंगे जी हमारी? टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।